पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में 8 साल की बच्ची को अगवा करके उसके साथ रेप की घटना प्रकाश में आई है। आरोपी युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और पीड़िता के गांव में प्रधान के घर पर नौकरी करता था। घटना के बाद तुरंत हरकत में आई पुलिस ने बच्ची और उसके भाई को बरामद करने के साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना का खुलासा किया। एसपी सिटी ने बताया कि घटना कुदरती थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर छिरावली की है। यहां के ग्राम प्रधान इमरान के घर राहुल नाम का एक युवक पिछले करीब 8 वर्षों से नौकरी करता था। राहुल पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के बनहट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कुदरती में 21 तारीख को दो बच्चों के किसी व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम राहुल बताया गया था, उसके नाबालिग दोनों बच्चों को ले जाने की एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसके संबंध में उसी समय थाना कुदरती पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्योंकि बच्चे नाबालिग थे। तो पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्यवाही की गई और इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता कुदरती पुलिस को मिली है और ये CO बिलारी साहब के नेतृत्व में ये काम किया गया, जिसमें उस व्यक्ति की न केवल गिरफ्तारी हुई है बल्कि दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी भी की गई है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उस वो बच्चों को बुरी नीयत से अपने साथ ले गया था। पूर्व में भी उसके द्वारा इन बच्चों के साथ ऐसा कुत्सित प्रयास किया गया था। एक दिन पूर्व भी वो मेले में इन बच्चों को ले गया था किसी दुराशय के साथ, लेकिन वहाँ इसको सफलता नहीं मिल पाई, जिसके पश्चात ये 21 तारीख को इन दोनों बच्चों को साथ ले गया और इनके साथ उसने असॉल्ट भी इनके संग किया है। इनका लैंगिक शोषण भी इसके द्वारा किया गया। इसमें बच्चों की बरामदगी की गई है और जो अभियोग पंजीकृत था उसमें जो धाराएं हैं वो बढ़ाई गई हैं और इस पर पोक्सो और 376 के तहत कार्यवाही की जा रही है इसकी गिरफ्तारी करके इसको। ये व्यक्ति बेसिकली बंगाल जलपाईगुड़ी का रहने वाला है और यहाँ पर इसी गांव में जो हुसैनपुर गांव पड़ता है कुंदरकी में, वहाँ पर ये प्रधान के यहाँ काफ़ी दिनों से रहता था और वहीं पर इसने इन बच्चों के साथ ऐसा करने का, कुकृत्य करने का प्रयास किया। इस संभावना से भी अभी इनकार नहीं कर सकते हैं, अभी पूछताछ की जा रही है कि क्या इसका आशय बच्चों की बेचने के लिए या उनकी ट्रैफिकिंग के संबंध में भी क्या ये काम करता है, क्या इसके और क्या कनेक्शंस हैं, उस सब पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। गहराई से छानबीन करने के बाद हम लोग जिस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। अभी इसका पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन हम लोग पता करेंगे जहाँ का ये रहने वाला है मूल निवासी है कि वहाँ इसका कोई आपराधिक इतिहास होगा तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।